मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है मुमरा के देवरीपाड़ा में साजिया अपार्टमेंट में। दरअसल आपको बता दें कि मुमरा से जिस तरह से धर्म परिवर्तन का मामला सामने आ रहा है, गाज़ियाबाद में नाबालिगों के धर्म परिवर्तन को लेकर गाज़ियाबाद पुलिस मुमरा के शहनवाज को जो है तलाश रही है। शहनवाज का परिवार इसी घर में साजिया अपार्टमेंट के पहले मंजिले पर रहता था और करीब जब से ये मामला धर्मांतरण का सामने आया है, गाज़ियाबाद पुलिस मुमरा में दबिश देकर कई जगह पर छापेमारी की है और कई लोगों से पूछताछ भी किया जा रहा है और शहनवाज की लगातार तलाश की जा रही है, लेकिन शहनवाज जो है वो पुलिस के पकड़ से अभी बाहर है। हालांकि शहनवाज की जो माँ है उन्हें पुलिस स्टेशन जो है बुलाया गया था, कुछ बयान भी लिए गए थे। ऐसी जानकारी सामने आ रही थी कि आज सुबह 10 बजे के वक्त जो है शहनवाज की माँ को पुलिस स्टेशन बुलाकर कुछ पूछताछ और करनी थी, लेकिन काफ़ी समय बीत गया, शहनवाज की माँ पुलिस स्टेशन नहीं पहुँची और न ही जो गाज़ियाबाद पुलिस है वो वहाँ पर मिले। इसके बाद जो है हम यहाँ पहुँचे हैं साजिया अपार्टमेंट में। आज देखेंगे कि जो घर है शहनवाज का वो बंद है। हालांकि यहाँ पर ये जानकारी मिल रही है कि इसी साजिया अपार्टमेंट में जो तीसरा मंजिला है उस तीसरे मंजिले पर भी शहनवाज का एक घर बताया जा रहा है। हम वहाँ भी चलेंगे। शहनवाज का घर एक तीसरे मंजिले पर भी है। हम आपको दिखाएंगे कि ये शहनवाज का घर है, ये तीसरे मंजिले पर, यहाँ पर भी ताला लगा हुआ है। हालांकि जो आस पड़ोस के लोग हैं वो कैमरे पर बोलने को राज़ी नहीं है, लेकिन उनका ऐसा कहना है कि दिन के वक्त जो है शहनवाज जो है इसमें आकर बैठा करता था। 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट यहाँ पर बैठकर वो वक्त गुजारा करता था। तो इस पर सवाल उठता है आखिर यहाँ पर दिन में जो 10 मिनट 15 मिनट जो बैठता था वो इस रूम के अंदर बैठकर क्या करता था, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह से गाज़ियाबाद पुलिस जो है शहनवाज की तलाश कर रही है, ये सवाल उठ रहा है कि शहनवाज आखिर कहाँ गया और क्यों नहीं अभी तक पुलिस की गिरफ्त में वो आ पा रहा है, आखिर क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से शहनवाज पर आरोप लगा है कि मुमरा शहर में 400 लोगों का धर्मांतरण कराया है, तो गाज़ियाबाद पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि अभी ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि क्या वाकई में 400 लोगों का धर्मांतरण कराया है या नहीं कराया है। ये पूरा मामला जांच का है, लेकिन जिस तरह से ऑनलाइन गेम के ज़रिए शहनवाज का नाम सामने आया, गाज़ियाबाद में धर्मांतरण कराया है, एक आरोपी इसमें गाज़ियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि शहनवाज की तलाश मुमरा में गाज़ियाबाद पुलिस कर रही है, लेकिन अभी तक गाज़ियाबाद पुलिस के हाथ शहनवाज नहीं लगा है।